आप लोग स्कूल को बोलता है मंदिर है बोलता है, स्कूल को मंदिर है बोलता है, लेकिन स्कूल को आप लोग मंदिर का जैसा दिखता भी नहीं। अभी आप देखिए ऊपर का जितना भी टीना ये है पूरा बारिश पूरा अंदर में टपकता है, यहाँ बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। वर्क हम लोग ऑलरेडी किया है, तो हम लोग का सोशल सर्विस करने का मोटो ये है कि देखिए आप तो कवर अप किया होगा, तो हम लोग का ये जो कौनसन डिपार्टमेंट से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हम लोग का यूपीआई जो ट्वेल्थ ईयर एसोसिएशन जो, तो हम लोग का कौनसन डिपार्टमेंट से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। बोर्ड वाल लेटर बना के भेजा है, हम लोग का स्कूल का हालत ठीक नहीं है, तो अल्टरनेटली वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ऑलरेडी हम लोग कंसर्न्ड पोर्टिन डेमो का विधायक तना हाली साहब से भी हम लोग बोला है कि हम लोग का स्कूल ठीक नहीं है, यूपिया प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं है, उसका कंडीशन वेरी बैड है बोला है। तो हम ऑलरेडी उसको साहब ये एमएलए साहब को बोला है ये स्कूल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एमएलए वहाँ से भी कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो लास्ट में हम लोग डिसाइड किया है हम लोग का यूपिया ट्वेल्थ एसोसिएशन स्कूल को हम लोग यूथ का तरफ से कुछ सोशल सर्विस करने के लिए हम लोग मुद्दा उठाया था। तो पर्स फेस में कल हम लोग ये एक छू लोकल गेट बनाया है, लोकल ब्रिज बनाया है अपना ये बम्बू से, और आज सेकेंड फेज हम लोग का स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग रेनोवेशन किया है। तो हम लोग का यूथ का ये करने का मकसद वही है कि कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अल्टरनेट लास्ट यूथ ही बस्ती में सोसाइटी में कम्युनिटी में काम आता है। तो हम लोग का कौनसन डिपार्टमेंट DDSC से हम लोग बहुत अपील किया था, तो कुछ रिस्पांस नहीं आया है। तो हम लोग वही कि गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है, स्कूल का हालत बहुत ख़राब है, स्कूल में ऑलरेडी पूरा पानी पूरा पुल हो चुका है, पुल होने का कारण से कभी कभी बच्चा लोग स्कूल आने का समय में खेल कूद करने से खिड़की से भी गिर के नदी ये जो पानी फोन पे गिर जाता है, तो कभी कभी देखने से हम लोग बहुत तकलीफ लगता है अपना स्कूल को। तो हम वही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है कि कल को अगर स्टूडेंट हम लोग का या छोटा छोटा बच्चा लोग जो स्कूल आता है खेल कूद करते समय में अगर वो फोन पे गिर जाने से उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ना कौनसन डिपार्टमेंट ये उसको रिक्स लेगा ना, और हम लोग का यहाँ का 14 टाइम का विधायक रिक्स लेगा। वही है हम दोनों ये जो कंसर्न्ड और हम लोग का 14 टाइम का जो MLA है वही हम पूछना चाहता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। लोग स्कूल को बोलता है मंदिर है बोलता है, स्कूल को मंदिर है बोलता है, लेकिन स्कूल को आप लोग मंदिर का जैसा दिखता भी नहीं। कोई लोग तो वही कहता है कि स्कूल अपना मंदिर जैसा है, लेकिन मंदिर जैसा स्कूल को नहीं सजाता है, अपना घर में जैसे वो लोग इतना सुंदर सुंदर सजाता है, इस प्रकार हम वही सोचता है कि स्कूल को जिसे घर में अपना घर को सजाता है उस प्रकार स्कूल को भी ऐसे सजाना है। तो लास्टली हम लोग का यूपीआई वेलफेयर एसोसिएशन वही डिसाइड किया है कि 2-3 साल से स्कूल को देखा है, स्कूल कुछ भी काम नहीं आ रहा है, स्कूल पूरा आप देखा होगा पूरा स्कूल का फ्रंट जो एंट्री गेट है डैमेज है ऑलरेडी, घुसने का जगह नहीं है, गाय बकरी यहाँ में आता है स्टूडेंट का साथ, गाय बकरी भी कभी कभी देखता है तो खेलता है। तो लास्ट में पीछे से हम लोग एक टू लोकल ब्रिज बनाया बम्बू जो घुसने का जगह नहीं है, घुसने का जगह नहीं है, तो हम लोग वही सोचा है कि टीचर भी घुसने का जगह नहीं है, जो स्टूडेंट भी घुसने का जगह नहीं, इसलिए हम लोग एक छोटा सा एक बम्बू लोकल ब्रिज बनाया है, तो जो ताकि वो लोग आराम से आ सके, लोग कीचड़ में ना फंसे। कौनसन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है आप जल्द से जल्द यूपीआई प्राइमरी स्कूल को आप देखने से ठीक है ना, आप जिस हिसाब से
हम लोग यूपीआई यूथ वेलफेयर एसोसिएशन उस दिन मिलने गया था, तो ये डीसी सर जो बोला है, और उसको हम वीडियोग्राफ विथ फोटोग्राफ भी दिखाया था, डीसी सर को वही बोला है कि हम लोग का स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है। तो वो पूछा है कौन सा स्कूल, हम बोला है हम लोग का यूपीआई प्राइमरी स्कूल का कंडीशन सर बहुत ही ख़राब है, तो आपका तरफ से कुछ आपका डीसी फान से आप कुछ देने से ठीक है, वही अपील किया था। तो डीसी सर जो वो बोला है कि देखिएगा बोला है, तो वो एमएलए से कॉन्सेंट एमएलए से वो बात कर लेगा बोला है, उसका बात जो सीखेगा वो कर देगा बोला है डीसी सर। वही उम्मीद करता है कि हम लोग का पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का डीसी साहब को वही हम यूथ का तरफ से एक विश्वास है, आप जल्द से जल्द हमारा ये प्राइमरी स्कूल का जितना भी आप हो सके आपका अंडर में आप जितना पान एलोकेट करेगा जल्द से जल्द करने से ठीक है। कि डिपार्टमेंट में जाके डायरेक्टर लेवल तक मैं गया था, जाके मैंने बोला सर ऐसे ऐसे स्कूल का हालत है, जब मैं यहाँ पे एसएमसी चेयरमैन था तभी ये स्कूल बिल्डिंग का ये हवा आके पूरा गिरा के लेकर गया था, तभी हम बीआरसी लोग को बोला है, सीआरसी लोग बोला, वो लोग खुद आके विजिट किया है, डीरे से भी आया था विजिट करके देखा है, तीना लोग उड़ गया। तो मैंने बोला कि सर आप लोग कुछ आप लोग का तरफ से देख दीजिए स्कूल का हालत ठीक नहीं है, हेड मास्टर का ऑफिस में पानी गिर रहा है, ये बुक्स वुक जितना स्टोर में रखता है पूरा ख़राब हो रहा है बोला है। तो वो लोग को हम बोला है बोल के वो लोग बोला कि आप लोग डायरेक्टर साहब से जाके बात करो। तो मैंने एसएमसी चेयरमैन के हिसाब में जाके बात किया था डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर लेवल तक गया है, वो लोग बोला है कि पांधी नहीं आता है बोला है, बाद में आने से देख देगा बोला है, हम एक साल जैसा गया है पांधी नहीं आता है बोला है। तो ऐसा कर करके अभी तक ऐसे ही रह गया स्कूल जो, तो लास्ट टाइम भी हम लोग तो मेंटेनेंस किया था, ये ब्रिज बनाया, पेंटिंग किया है, ग्रास कटिंग करता है, हम लोग अल्टरनेट ईयर में हमेशा करता है, जब जब कुछ डैमेजेस होता है हम लोग ये करते हैं। अभी आप देखिए ये ऊपर का जितना भी टीना ये है पूरा बारिश सर पूरा अंदर में टपकता है, यहाँ बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, एजुकेशन जो बेसिक में अगर स्कूल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन ठीक नहीं होने से कहाँ से हायर लेवल में जाके बच्चा गधा ही होगा ना। तो जो बेसिक चीज़ है स्कूल जो इंस्टीट्यूट जो है हमेशा साफ सफाई होकर गवर्नमेंट स्कूल रहने से हर कोई टीचर चाहेगा कि उसमें बच्चा को पढ़ाएगा। हम अभी हम खुद बोलते हैं कि मेरे बच्चों को हम ये में यहाँ में नहीं पढ़ा था, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ का फैसिलिटी ठीक नहीं है, बच्चा पढ़ाई करेगा ना ये गाय गोरू के साथ बैठ के पढ़ाई करेगा, वहाँ में कहाँ से कंसंट्रेशन आएगा, वो बात सबसे बड़ा होता है। तो बेसिक ठीक होने से तभी हम लोग सोचते हैं कि चलो ये बच्चा के बेसिक ठीक होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, और हर कोई माँ पिता जो भी सोचता है अभी जितना ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, तो बेसिक स्कूल ही ठीक नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है तो कौन सा भगवान भी वहाँ मंदिर में जाके पूजा करने से शांति नहीं मिलेगा ना। इसलिए बोलता है कि टीचर जो भी है सब लोग ठीक है, पढ़ाता अच्छा है, बस स्कूल एडमिशन में कम ये स्टूडेंट इसलिए आता है ये जो स्ट्रक्चर जो है हम लोग का स्कूल का थोड़ा भी ठीक नहीं है। आपका बेसिक चीज़ को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग अच्छा से डेवलप करने से हर कोई बच्चा यहाँ में पढ़ाना चाहेगा,